स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, हिंद देश के निवासी। और बच्चों, हम लोगों ने उसको बुक में एक्सरसाइज भी, जो आपका अभ्यास कार्य था, उसको भी पूरा कर लिया था। आज हम लोग किस पे वर्क करेंगे? कॉपी पे वर्क करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपनी हिंदी की बुक और कॉपी लेकर एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी ओपन करेंगे, अपनी कॉपी खोलिए। हिंदी की कॉपी ऐसी होगी। हिंदी की कॉपी में बच्चों, जो आपका पहला पेज है, ठीक है, जब कॉपी ओपन करेंगे तो उसका जो पहला पेज है उस पे आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप छोड़ देंगे। जो आपका दूसरा पेज है उस पे आपको क्या बनाना है? नेम बॉक्स बनाना है। नाम सूची बनाते थे, क्या बनाना है? नाम सूची। इसमें आपको क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और क्या लिखना है? विषय लिखना है। विषय आपका क्या है बच्चों? हिंदी। इतना लिखेंगे आप लोग, नाम सूची, नाम, कक्षा और विषय, ठीक है? ऐसे बनेगा ये पेज, देखिए, सबको दिख रहा है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है? फर्स्ट पेज जो हमारा होगा वो किस क्या बनेगा उस पर? नाम सूची, नेम बॉक्स बनाते थे ना हिंदी में पहले, वही बनाना है। अब बच्चों, जो आपका दूसरा पेज होगा, एक पेज और खोलिए, उस पर क्या करना है आपको? जो आपका दूसरा पेज है उस पर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है? दिनांक, डेट, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट, डेट डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? थॉट लिखेंगे। क्या है थॉट? ईश्वर एक है। यहाँ पे डेट और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? थॉट लिखना है। ऐसे लिखना है, ये देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे क्या लिखना है? थॉट लिखना है, ठीक है? उसके बाद क्या डालेंगे? पार्ट एक, पार्ट एक का जो भी नाम है, क्या नाम है? हिंद देश के निवासी। क्या लिखेंगे? हिंद देश के निवासी। यहाँ पे डालेंगे पाठ का नाम, हिंद देश के निवासी। इसके बाद क्या लिखेंगे? चित्र, यहाँ पे चित्र लिखेंगे। और जो आपकी पाठ एक, ये जो बुक है आपकी, इसमें जो कविता लिखी हुई है, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं? ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आपको बनाना है। पहले पेज पे जब कविता लिखते थे तो चित्र बनाते थे, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? डेट डालनी है, फिर थॉट डालना है, ईश्वर एक है, पाठ एक, पाठ का नाम जो कविता है, हिंद देश के निवासी, उसके नीचे क्या लिखना है? चित्र, ठीक है? क्या लिखेंगे? चित्र। उसके बाद ये जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है, इस चित्र को आपको बनाना है। उसके बाद बच्चों, जो आपका यहाँ पे चित्र बनाएंगे, उसके बाद जो आपका तीसरा पेज होगा, ठीक है, चित्र बनाया, चित्र के बाद जब आप पेज पलटेंगे, यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, यहाँ पे जब आप पेज पलटेंगे तो एक जो खाली पेज होगा इस साइड वाला, इस पे क्या लिखना है आपको बच्चों? कविता लिखनी है। क्या लिखना है? कविता। यहाँ पे आप लोग डालेंगे कविता, और यहाँ पे कविता का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कविता, यहाँ पे लिखेंगे कविता का नाम, और यहाँ पे कविता लिख लेंगे। चार लाइन इधर लिखनी है और चार लाइन इधर लिखनी है, ठीक है? कविता ऐसे लिखनी है, चार लाइन इधर और चार लाइन इधर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना, जैसे लिखते थे आप लोग? चार लाइन इधर लिखेंगे, चार लाइन इधर लिखेंगे, आठ लाइन कविता आपको लिखनी है। उसके बाद बच्चों, जो तीस आपका नेक्स्ट पेज होगा,
नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे और डेट के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, कठिन शब्द, कठिन शब्द। ठीक है, अभी जो मैं आपको कठिन शब्द लिखवाऊंगी वो कठिन शब्द आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है। पहले पेज पे आपको नाम सूची, अपना नाम, कक्षा, विषय, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद दूसरे पेज पे आपको क्या लिखना है, डेट डालनी है, थॉट डालनी है और क्या लिखना है, पार्ट एक, हिंद देश के निवासी, चित्र डालेंगे और नीचे क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोग लिखेंगे कविता, कविता का नाम जो भी है, ठीक है। उसके बाद कविता 8 लाइन लिखनी है, 4 लाइन इधर, 4 लाइन इधर। फिर बच्चों नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है, कठिन शब्द, कठिन शब्द मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो लिखना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सारे पेजेस पे अपना जो नेम बॉक्स बना लिया था, ठीक है, कविता वाला जो था वो भी लिख लिया था और कविता लिख ली। अब बच्चों क्या लिखना है, कठिन शब्द लिखना है। कठिन शब्द आप लोगों ने हेडिंग डाल दी थी ना, कठिन शब्द, डेट डालना है एक साइड और क्या लिखना है, कठिन शब्द। सबसे पहले इधर साइड आपको डेट डालनी है, ठीक है, यहाँ पे डेट डालेंगे फिर लिखेंगे कठिन शब्द। नंबर वन पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, हिंद, क्या लिखा हुआ है, हिंद। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वेश, क्या लिखा हुआ है, वेश। तीसरे नंबर पे निवासी, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, निवासी। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, रंग रूप, क्या लिखा हुआ है, रंग रूप। पांचवे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, भाषा, क्या लिखा हुआ है, भाषा। छह नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तराना। सातवें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, न्यारी। आठवें नंबर पे लिखा हुआ है गुथे, क्या लिखा हुआ है, गुथे। नौ नंबर पे क्या लिखा हुआ है, प्यारी। टेन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सागर। दसवें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सागर। अब बच्चों आप लोगों को एक पेज में आपके कठिन शब्द हो गए होंगे, कठिन शब्द के नीचे से शब्दार्थ नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है, कठिन शब्द के नीचे से शब्दार्थ नहीं शुरू करेंगे, पेज अपना पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, शब्द एक साइड लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। चाहे तो 20 से लाइन भी खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे 20 से लाइन खींच दीजिएगा, एक साइड शब्द और एक साइड क्या होगा आपका, अर्थ, ठीक है। और शब्द के नीचे भी लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन करेंगे और अर्थ को भी क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने किया हुआ है ऐसे ही करना है आप लोगों को। पहला शब्द आपका क्या है, हिंद, हिंद का अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तान। बोलिए साथ में, हिंद का अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तान। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जन, जन का अर्थ क्या होता है, लोग, जन का अर्थ क्या होता है, लोग। साथ में बोलते भी रहिए, गुथे, गुथे का अर्थ क्या लिखा हुआ है, पिरोए। और साथ में आप मेरे लिखते मत चलिएगा, मैं अभी रुक जाऊंगी, आप लोग बोर्ड को देख के पॉज करके घर पे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ मत लिखते रहिए, पहले जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ना है अभी साथ में। गुथे, गुथे का मतलब क्या होता है, पिरोए। टेल, पिरोए का मतलब एक ही धागे में बंधे हुए, ठीक है, क्या कहते हैं, एक ही धागे में गुथे हुए, एक ही धागे में पिरोए हुए, ठीक है, गुथे का अर्थ क्या होता है, पिरोए। टेर, टेर का अर्थ क्या होता है, गाने में ऊंचा स्वर, जो खूब तेज तेज चिल्ला चिल्ला के, कौन करता है टेर, कौन सुनाता है, पपीहा अपनी टेर सुनाता है ऊंचे स्वर में, तो टेर का अर्थ क्या होता है, गाने में ऊंचा स्वर। राग, राग का अर्थ क्या होता है, विशेष ताल लय युक्त ध्वनि। राग का अर्थ क्या होता है, विशेष ताल लय युक्त ध्वनि, जो ताल लय युक्त के साथ में जो ध्वनि जो बोली होती है, ठीक है, जो आवाज निकलती, स्वर निकलता है, वो क्या होता है, राग। निवासी, निवासी कौन होते हैं, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले, जैसे कोई हमारा एक क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में जब ढेर सारे लोग रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ये सब इस क्षेत्र के निवासी हैं, ठीक है, निवासी का अर्थ क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में रहने वाला। बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, विशेष, वेश, वेश का मतलब क्या होता है, पोशाक, पोशाक मतलब जो हम पहनते हैं कपड़े, हमारा पहनावा, वेश का मतलब पोशाक। कूक, कूक का मतलब क्या होता है, कोयल की बोली, कोयल कैसे कूक 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 करती है, तो कूक का मतलब क्या है, कोयल की बोली को क्या कहते हैं, कूक। तराना, तराना क्या होता है, एक तरह का गाना, जो गाना गाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं तराना, एक तरह का गाना गाना, ठीक है। इतने ही बच्चों शब्दार्थ है, इन शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले क्या करना है, कठिन शब्द लिखना है, कविता के बाद
कविता, पहले चित्र बनाएंगे, फिर कविता लिखेंगे, फिर कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्द अर्थ लिखेंगे। सारे शब्द अर्थ होने के बाद में ऐसे ही लाइन खींच देंगे। और बच्चों बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना सारा वर्क करेंगे, ठीक है? आप लोग बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा, जिसमें जब मैं कॉपी चेक करूँगी तो सबको गुड मिलेगा, ठीक है? अच्छे से लिखना है सबको। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं साइड में हूँ। अब कल आप लोगों को इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट दो वो पढ़ाया जाएगा, और अपना सारा वर्क जितना भी कराया जा रहा है उसको बहुत ही साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे अच्छे लेख में लिखेंगे, ठीक है? कल आपसे मिलते हैं, थैंक यू।